प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी पाजी, आप प्लीज शांत हो जाओ। मेरे डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, गोगी का ऑडिशन डायरेक्टर साहब को बहुत पसंद आया था, लेकिन उस एड में पूरा दिन बच्चों को डांस करना है। उन्हें लगा कि गोगी छोटा है, वो थक जाएगा, इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। रोशन सुन, देख अपना गोगी ना बहुत होशियार है, इस ऑडिशन में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले ऑडिशन में उसका सिलेक्शन जरूर होगा। और वैसे भी सोडी भाई, एक ऑडिशन में सिलेक्ट ना होने से हमारे गोगी में टैलेंट नहीं है ये तो साबित नहीं होता। हाँ बराबर। सोडी अंकल, टप्पू सेन ने डिसाइड किया है कल के शूटिंग में कोई नहीं जाएगा, क्यों फ्रेंड्स? रोशन आए जो, अच्छा लगता है। हाँ, हमारा गोगी सिलेक्ट नहीं हुआ करके हम दूसरे बच्चों का मौका तो नहीं छीन सकते ना। वाह वाह वाह, क्या बात है सोडी, इसे कहते हैं खेल दिली। हाँ। स्पोर्टिंग स्पिरिट, शाबाश। और एक और बात, तुम लोग कल सुबह 9 बजे शूटिंग के लिए तैयार रहना, ठीक है? और पेरेंट्स में से कोई एक ही अलाउड है, मम्मी या पापा, राइट? तो कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? बाय। चलो चलो रोशन भाभी। अच्छा है, समझ गए। भाई सुटी, वो गोगी सिलेक्ट नहीं हुआ वो सुन के बहुत दुख हुआ। हाँ भाई। हाँ यार सुटी, मन को यार अच्छा नहीं लग रहा। और छड़ो यारो, वो अपना गोगी कौन सा बुढ़ा हो गया, अब बड़े मौके आएंगे फ्यूचर में और कभी ना कभी वो सिलेक्ट हो ही जाएगा। वेरी गुड भाई अब्दुल, आज सबको सोडा मेरी तरफ से। भाई कल अपने गोकुल धाम के बच्चे शूटिंग पे जा रहे हैं। वाह सोडी, अरे वाह सोडी, तुझे सलाम करने का जी करता है, क्या बात है यार। अरे पंजाबी बड़े दिल वाले होते हैं, आज तूने ये साबित कर दिया। खरा खरा। ओए पापा जी। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वेरी गुड। और मुझे तो लगता है इस देश के हर माँ बाप को तुमसे सीखना चाहिए सोडी, के खेल में जीतना या हारना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें हिस्सा लेना इंपॉर्टेंट होता है। बरोबर, हार को पचाना इतना आसान नहीं होता है, और जो सबकी जीत में मुस्कुराए इंसान वही होता है। बहुत अच्छे पंजाबी रॉक्स। तो बोले बहन, कल सुबह 9 बजे शूटिंग के लिए मिलते हैं। घर मैं क्या कहती हूँ, 8:30 बजे ही मिलते हैं। क्या है, बच्चे पहली बार शूटिंग में जा रहे हैं ना, तो कहीं लेट ना हो जाए। बराबर है। अच्छा आप लोग नाश्ता साथ में रखने वाले? अरे माधवी भाभी, गोली घर के बाहर जैसे कदम रखता है ना, वैसे मुझे अपने साथ नाश्ता तैयार रखना पड़ता है। बरोबर है। और मैंने भी टप्पू के लिए चिवड़ा, खाखरा, थेपला सब तैयार रखा है। वाह अच्छा, तो मैं भी कुछ साथ में रखती हूँ, बकरवड़ी, पूरनपोली वगैरह। हाँ देखियो भीड़ा बहन, आप नाश्ता नहीं लेंगे ना तो भी चलेगा, हम लोग नाश्ता लेने ही वाले हैं ना। अच्छा नहीं नहीं रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी है ना शूटिंग बहुत देर तक चलती है, आज सुबह शुरू हो जाए ना तो दूसरे दिन सुबह तक चलती है। ओ भाई, तो फिर मैं टप्पू के लिए टैटू ब्रश और पेस्ट ले लूं? अरे नहीं नहीं दया भाभी, मैंने ऐसे सिर्फ सुना है, और बच्चों का है तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल।
बजे। अरे दया भाभी 9 बजे नहीं 8:30 बजे। हाँ दया भाभी भूलना नहीं आप। चलो चलो कोमल देर हो जाएगी। गोली बेटा पैच छोड़ पापा के। ऑल द बेस्ट कोमल आज अपना गोली पहली बार एड की शूटिंग के लिए जा रहा है तो इसे कुछ लड्डू पेड़े तो खिलाओ। अच्छा गोली को लड्डू पेड़े खिलाओ या तुम्हें लड्डू पेड़े खाने हैं? गोली को। और गोली खाएगा तो मैं भी खाऊंगा ना। वो क्या है ना कोमल कि जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो शगुन के तौर पे कुछ मीठा खाते हैं। शगुन के तौर पे मैंने गोली को दही शक्कर खिला दिया है। खिला दिया? चलो कोई बात नहीं। चलो चलो जो भी करना आत्मविश्वास के साथ। जरा बाजू जरा पकड़ा। छान करा। हो आई। चला। एक मिनट शूटिंग में इतना सब क्या लेके जा रही हो? अरे वाह शूटिंग में खाना मिले ना मिले इसलिए सोनू का पूरे दिन का नाश्ता और खाना साथ में लेके जा रही हूँ। ओहो वेरी गुड माधवी शाबाश। इसे क्या कहते हैं मालूम है? डिस्टेंस साइट मतलब दूर दृष्टिपणा। हमारे जमाने में माधवी हम भी जब बाहर जाया करते थे ना तो ऐसे ही घर से खाने पीने की चीजें साथ में लेकर जाते थे। इससे दो फायदे होते थे, एक पैसा बचता था और दूसरा बाहर का खाने से पेट भी नहीं बिगड़ता था। आओ ये आता है ना तुम्हें। हाँ चलो मम्मी जल्दी। हाँ हाँ बेटा टप्पू सेना का लीडर टप्पू को सबसे पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन आरती तो उतरने दो। हाँ माता जी टप्पू ने एक्टर बनावजो, एक्टर बनावी एने फिल्मो अपावजो, फिल्मो अपावी एने फिल्मो चलावजो, अरे फिल्मो चलावी एने एवोर्ड अपावजो, एवोर्ड अपावजो, हे माता जी टप्पू ने शूटिंग मा जवा दो। इधरा बेटा इधरा। हाँ दादाजी। टपुड़ा आज मैं बहुत खुश हूँ है। मैं बचाओ गांव में रेडियो बेचता था और ये तेरा पापा मुझसे एक कदम आगे निकला है, वो टीवी बेचने लगा। लेकिन तू तो तेरे पापा से 3-4 कदम आगे निकल गया है। तू तो टीवी के अंदर आएगा। चलो चलो बेटा चलो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? शूटिंग में। क्यों? अपने बेटे का उत्साह बढ़ाने। नहीं आप नहीं आ सकते। ला क्यों? देखिए रीटा ने कहा है कि माँ बाप में से कोई एक ही आ सकता है तो मैं टप्पू के साथ जा ही रही हूँ तो आप कैसे आ सकते हैं? तो ठीक है भाई तो मैं नहीं आता हूँ उसमें क्या है। भाई टप्पू भाई मैं नहीं आ रहा मम्मी आ रही है तो जरा संभल के एक्टिंग करना है, डरना मत बिल्कुल। और खास करके वो एक्टिंग करना वो फूक मार के बाल उड़ाते ना कैसा कैसा करता ये वाली। वाह टप्पू के लिए आपके दिल में इतना प्यार है तो फिर जब देखो तब आप उसे डांटते क्यों रहते हैं? दया ये हमारे गड़ा खानदान की परंपरा है, हम बेटा को प्यार दिखाते नहीं उसके बदले उसको डांटते हैं। चलो 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 चलो। अरे आप कहाँ आ रहे हैं? अरे भाई शूटिंग में नहीं आ रहा हूँ, इसको नीचे तक तो छोड़ने आ सकता हूँ क्या? नहीं हाँ हाँ जरूर आ सकते हैं वो तो आपका फर्ज है। चलो बाबूजी हम लोग जा रहे हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चल चल भाई चल। जय जिनेन्द्र दादाजी। जय जिनेन्द्र बेटा। बाय दादाजी। चलो जा रहे हैं बाबूजी। बाय। आओ जो बाबूजी। हेलो हाउ आर यू? हाय ऑल द बेस्ट या टपड़े आई लिया था देव साड़े कोमल वो गोली के लिए नाश्ता तो अच्छी तरह ले लिया है ना? या एक शेफ डैश फ्रेश टुक विद जेनम क्या नाश्ता ले लिया है हंस? तो ये क्या था इस ट्रैप पापा? जर्मन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि यही बात मैंने तुम्हें घर में हिंदी में बताई थी, बाहर निकली तो इंग्लिश में भी बताई, बीच कंपाउंड में मराठी में भी बोला पर तुम्हारे समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा जर्मन में बता दूं। चलिया संभल गया आप? टप्पू संभल के बेटा। अरे बबीता
बबीता जी आप आप भी जा रहे शूटिंग पे? नहीं नहीं बाबा। अरे क्या नहीं नहीं बाबा, आप खुद एक बेबी जैसे यंग एकदम। मैं सिर्फ यहाँ पे बच्चों को बेस्ट विशेस देने आई हूँ। ओके किड्स, ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू आंटी। थैंक यू। हां देखो क्या जगह बबीता जी, ऑल द बेस्ट बोलना, बोले थैंक यू। अरे जरा दिल से बोल, घर से इधर तक आए, ऑल द बेस्ट बोल लेगा। थैंक यू ऐसा बोल रहा है, बोल थैंक यू। थैंक यू आंटी। एक्साइटेड है ना बहुत, इसलिए। बबीता जी ये जो आपकी सोच है बच्चों को ये इस तरह प्रोत्साहित करने की, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। अरे भीड़े बहन, मैं क्या कह रही हूँ कि ओली रीटा अब तक आई क्यों नहीं? खरतर आनी चाहिए अभी। हाँ 9 बजे का बोला था उसने। अच्छा है, जितनी लेट गाड़ी है उतना ज्यादा बातचीत करने का मौका मिले। हाँ? नहीं नहीं गाड़ी नहीं आई अभी तक। अच्छा सोनू, पहली बार शूटिंग में जा रही हो तो रिलैक्स, हाँ बिल्कुल भी नर्वस मत होना, इससे तुम्हारे एक्टिंग पे असर पड़ सकता है। हा? हो बाबा। पर माधवी तुम भी पहली बार शूटिंग में जा रही हो तो वहाँ की सूचना का पालन करना, और सबसे बात सता शूटिंग से ज्यादा आपकी सूचनाओं की लिस्ट है। अरे ते आइकनर नहीं माधवी बाबी, अरे बस कर भाऊ, माधवी बाबी का ढोका नको खाऊ। अरे वो तुमसे ज्यादा होशियार है, वो सब संभाल लेंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है। गोगी पुत्र, और यार एक दिन तू भी फिल्म की शूटिंग में जाएगा और हम लोग यहाँ से तुझे बाय बाय करेंगे। तू शेर का पुत्र है, देख तेरे दोस्त शूटिंग पे जा रहे हैं, उनको बाय नहीं करेगा? ओए चल खुशी खुशी बाय बाय कर दे मेरे शेर पुत्र। चल शाबाश। बाय टप्पू। बाय गोगी। बाय सोनू। बाय पिंकू। बाय गोगी। बाय गोगी। बाय गोगी। बाय गोगी। शूटिंग में खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है। जो। अब तो वापस रख कर आऊं? अरे नहीं नहीं अभी ले लिया है तो ठीक है, चलो जल्दी करो। क्या कर रहा है इधर इधर।
अरे वेणु शॉट समझा दिया? यस सर समझा दिया। ओके। अरे भाई शायद ये बेबी को उठा ना भाई। क्यों? अरे भाई बेबी लाइट की बात कर रहा हूँ। ना बोला उधर मत रख, फील्ड में आएगा यार। ओके भाई मैं क्या डर गई थी। मैं भी होता है, मुझे लगा सोनू को। गोली बेटा सारे एक्सप्रेशन अच्छी तरह से देना और डांस में ये वाला स्टेप करना। हाँ सोनू अच्छे से करना और बाबा ने जो कहा है वो सब याद रख के करना। हा? हाँ टप्पू बेटा एकदम जोश से करना। क्या है गड़ा खानदान का नाम तुम्हें रोशन करना है बेटा। हाँ मम्मी अभी तुम जाओ, डायरेक्टर अंकल के आने का टाइम हो गया है, तुम्हें यहाँ पर देखेंगे तो भड़क जाएंगे। हाँ सुनो चलिए आप लोग बाहर जाके बैठिए। देखो यहाँ सेट पर पेरेंट्स आर नॉट अलाउ, चलो प्लीज आप बाहर जाके बैठिए प्लीज। अरे भाई साहब ये शूटिंग कब शुरू होगी? आप लोग जब बाहर जाएंगे तभी तो शूटिंग शुरू होगी। अरे भाई वो गुस्से वाले सन की डायरेक्टर आप ही है। अरे मैं एडी हूँ, एडी अंडरस्टैंड, असिस्टेंट डायरेक्टर यू नो। चलिए आप लोग जाके बाहर जाकर बैठिए वरना वो डायरेक्टर साहब आएंगे ना तो मुझे डांटेंगे। हेलो डायरेक्टर साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रेटा, सब बच्चा आया? यस सर सब लोग रेडी भी हैं। गुड सब एडी नहीं येड़ा वटो येड़ा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वेणु, एवरीथिंग इज रेडी? यस सर एवरीथिंग इज रेडी, प्लीज कम, प्लीज कम सर। Good morning. Okay, very nice. Thank you. Sir, everything. Silence, sir. Yeah. Action, sir. Hip, minute. Hip, minute. Director, boy, रुक जाइए आप. क्या हुआ? अरे एक्शन में तो बच्चों लोगों के हाथ पैर टूट जाएंगे. अरे दया भाभी शूटिंग में एक्शन का मतलब होता है कि शूटिंग शुरू करो। ओह अच्छा, मुझे लगा कि वो एक्शन में मतलब वो डिसुम डिसुम करते हैं ना, इसलिए जरा सॉरी। अभी समझ गया? हाँ अभी शूटिंग शुरू करो। हाँ कीजिए ना। हाँ बोले टप्पू के पापा। हाँ शूटिंग तो चल रही है। रुक गई है शूटिंग, अब मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ हो गया। हाँ अभी शूटिंग शुरू करो। हाँ तो कीजिए ना, इसमें पूछना क्या। टीचर बहुत थक गए। हाँ टीचर बहुत थक गए। डोंट वरी, तुम्हारी थकान का इलाज है मेरे पास। Got it. Beautiful baby. Excellent. Beautiful. Next shot. बच्चे जब उदास होते हैं तब कितना खराब लगता है। बच्चों के चेहरों पे तो मुस्कान ही हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन करें क्या, बच्चे हैं, अगर कभी असफल हो जाएं तो उदास होते हैं। आपके बच्चे भी कभी ऐसा करते होंगे, लेकिन उन्हें सिखाइए कि जिंदगी के अंदर असफल होना इतना उदास होने का कारण नहीं होता। आई हैव अ राइट टू फेल इफ आई ट्राई। अगर मैं कोशिश करता हूँ तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं असफल हूँ। अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 10 नई खिड़कियां खोलता है, और यही हुआ। रोशन सिंह सोढ़ी ने पूरी दिलेरी के साथ बाकी बच्चों की खुशियों को अपनी खुशी बना लिया। और इधर बच्चे एड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। सोचिए तो गोकुल धाम जहाँ छोटी छोटी बातों का भी जश्न होता है, जब ये बच्चे टेलीविजन पर दिखेंगे
एडवर्टाइजमेंट आएगा तो कितना बड़ा जश्न होगा, कितने धमाके होंगे, कितने हंगामे होंगे, हमारे यहाँ भी और आपके वहां भी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।